नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आ रही है यहाँ पर CBF की तरफ से, कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है। ये सब्सिडरी है कैनरा बैंक का। इसमें आप सभी के लिए वैकेंसी निकली है। आपने किसी भी ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको सैलरी यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मिलने वाली है। तो मैं पूरा क्राइटेरिया डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं मांगा गया है, डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में जाए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसमें आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकाली हुई है कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड में। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यदि आपको अभी इस टाइम पर कोई जॉब मिल रही है तो आप उसको कीजिए, वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए, देन आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो आपका ये एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब की अपडेट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी सिंपल क्राइटेरिया लेके आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑफलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है आपको। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। जो फीस है उसके लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा, 250 रुपीज़ का DD बनवाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड के लिए, ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है। मतलब आप कहीं से भी बनवा सकते हैं DD, तो और आप इसको सेंड कर सकते हैं उसके साथ। अब बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई, ठीक है। 31 जुलाई के पहले आपको वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को सेंड कर देना है, भेज देना है बाय पोस्ट। इंटरव्यू होगा आपका, और जो आपकी पोस्ट मिलने वाली है वो मिलने वाली है जूनियर ऑफिसर की, ठीक है। इंटरव्यू होगा आपका, सिंपल इंटरव्यू होगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात इसमें आपको नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है आपको यहाँ पर 2 साल का पीरियड रखा जाएगा। पहले 1 साल के लिए करा जाएगा, फिर आपको उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो 2 साल, और जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो आपको वहाँ पर आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आपकी देख सकते हैं यहाँ पर 19,000 से ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। और यदि कंपनी चाहेगी तो आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अदर कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पर दी है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट किया है, 55% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो वैसे भी होगा थोड़ा बहुत, आप इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिए, 250 रुपये आपके लग रहे हैं। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 21 ईयर है, और मैक्सिमम 30 ईयर्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो व्यूवर्स हैं यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यदि हम आपको बताएँ कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर फिल करना है, तो आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो किस बेस पर होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है ना। और उस हिसाब से आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपको कॉल लेटर या ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो इंटरव्यू इनके जो हेड ऑफिस है बेंगलुरु में, वहीं पर ही होगा, आपको वहां से जाकर आपको देखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही हम वीडियो आपके लिए लाएं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।